मानता है तो बहुत है, बहुत भीड़ लगा था। हाँ, मानता ना होती तो भीड़ कैसे लगती। हम लोग 12 महीना आते, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, छत्ता लगा के आते हैं। एक बात, हम लोग आए थे इतना इतना पानी भरा था, तब भी हम लोग बैठे रहे यहाँ सीढ़ी के नीचे से पानी। उसके बाद खुला तब हम लोग इतने गीले होते गए। बस माता रानी से लगाव है तो बस माता रानी के द्वार पे खींचे चले आते हैं दर्शन के लिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, ऐसे लगता कि बैठे रहो यहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हम मदन महल के पास स्थित माँ शारदा के धाम में हैं और ऐसा कहा जाता है कि गोड़ राजवंश की ये कुल देवी रही हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यही निकट ही मदन महल है, जो महारानी दुर्गावती की स्मृतियों से जुड़ा हुआ महल है। और मेरे पीछे आप ये मंदिर की सीढ़ियाँ देख रहे हैं और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए माँ शारदा का पावन धाम यहाँ पर है, जहाँ पर संग्राम शाह सहित गौड़ राजवंश के राजाओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि माँ शारदा की स्थापना गौड़ राजवंश के राजाओं के द्वारा ही की गई थी और तब से यह आस्था और धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। सामान्य तौर पर वर्ष भर इस मंदिर में भक्तों की आवक बनी रहती है और जो लोग मदन महल की तरफ जाते हैं वो लोग माई शारदा के धाम का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। हम आपको ले चलेंगे माई शारदा के धाम की तरफ, उस मंदिर की ओर जिसकी स्थापना गौड़ राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई थी, जो देवी गौड़ राजवंश के राजाओं की कुल देवी कही जाती हैं और जहाँ नित्य पूजा उपासना राजाओं के द्वारा की जाती रही है। अति प्राचीन ये मंदिर है, यहाँ वर्तमान में हजारों की तादाद में भक्त आते हैं और प्रतिवर्ष नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर भक्तों की तादाद में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। माँ को लेकर के, इनके इतिहास को लेकर के, इस जगह की ऐतिहासिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता को लेकर के हम ऊपर भक्तों के साथ साथ मंदिर के पुजारी, मंदिर के सेवक जन से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की, शारदा माई की महिमा क्या है और कब स्थापना की गई इस मंदिर की, कैसे यहाँ पर पूजन विधान है, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, क्या यहाँ की महत्ता है। 250 साल पुराना तो है जी, रानी दुर्गावती का बनाया हुआ है ये मंदिर। पूजा करने आती थी, उनका नियम था, इसलिए उनने ये मंदिर बनवाया था। उनकी कुलदेवी है, रोज पूजा करती थी वो। और यहीं पे पास में मदन महल भी है जहाँ रानी दुर्गावती का, हाँ वो उनका किला था। और नीचे से सुरंग बनी हुई है, जो वहाँ से वो जाती थी नर्मदा स्नान करने, तो वहाँ से स्नान करके वो यहाँ पूजा करती थी। ये बहुत प्राचीन मंदिर है माता रानी का और यहाँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, माँ भगवती सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और यहाँ सावन सोमवार में मेला लगता है, यहाँ सावन के महीने में जितने सोमवार पड़ते हैं तो ये सोमवार के बहुत मेला लगता है और ये झंडे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी मनोकामना करते हैं तो फिर ये झंडे चढ़ाते हैं। हर नवरात्रि में यहाँ माता रानी के दरबार में बहुत भीड़ होती है और मनोकामना माता रानी सबकी पूर्ण करती हैं और लोग झंडा लेके आते हैं और जिनकी भी मन्नत, यहाँ पर बहुत सारे झंडे, यहाँ झंडों की मान्यताएं हैं, मतलब जिनकी भी मन्नत पूरी होती है वो माता रानी को झंडे लेके आते हैं। बहुत भीड़ रहती, बहुत झंडे चढ़ते हैं सावन में, सावन में सबसे महत्व है। 70-80 फीट लंबे बांस के झंडे चढ़ाते हैं अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार। आप लगभग कितने वर्षों से इस मंदिर में? हम लोग 25 साल से, 25 सालों से लगातार, हाँ, लगातार रोज, चाहे पानी गिरे, हाँ, चाहे गर्मी रहा, चाहे ठंडा रहा, हम लोग को आना ही है। आते हैं दर्शन करने तो आते हैं, माँ तो सब देखती है ना, वो अंतर सब जानती है माँ, उससे क्या बोलना, बोलो तो भी मिलेगा, नहीं बोलो तो भी मिलेगा। तो 3 बार ही आए हैं हम। हम लोग 12 महीना आते, चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, छत्ता लगा के आते हैं। एक बात, हम लोग आए थे इतना इतना पानी भरा था, तब भी हम लोग बैठे रहे यहाँ सीढ़ी के नीचे से पानी। उसके बाद खुला तब हम लोग इतने गीले होते गए। बस माता रानी से लगाव है तो बस माता रानी के द्वार पे खींचे चले आते हैं दर्शन के लिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, ऐसे लगता कि बैठे रहो यहीं। मानता है तो बहुत है, बहुत भीड़ लगा था। हाँ, मानता ना होती तो भीड़ कैसे लगती। और जैसी कि मान्यताएं हैं यहाँ पर कि लोगों के द्वारा मन्नतें मांगी जाती हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो ध्वजों के रूप में माँ का आभार अर्पित करने के उद्देश्य से ये विशाल झंडे लगाए गए हैं।
और इसके अतिरिक्त इस मंदिर परिसर में आप और भी कई सारे छोटे छोटे मंदिर देख सकते हैं, जैसे एक हमारे पीछे एक ये मंदिर है और यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। प्राकृतिक सौंदर्य की भी बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह पूरा का पूरा मंदिर है। जबलपुर के मदन महल पहाड़ी में स्थित ये मंदिर है, जहाँ नवरात्रि के समय में काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं। और जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं,